मोहन भागवत जी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ तथ्य रखे थे। मोहन भागवत जी का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही संयमित तरीके से लोकसभा के चुनाव में अपने प्रचार को भी आगे बढ़ाना चाहिए था और अब सरकार को लेकर भी एक संतुलित और संयमित नजरिया ही रखना चाहिए। संघ परिवार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सामने यही सीख रखी है, लेकिन कई तबकों ने इसे अलग अलग तरीके से सामने प्रस्तुत किया। तो आइए अब इससे आगे बढ़ते हुए आपको हम ये बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने इस झटके को संभालने के लिए लोकसभा में जो उन्हें झटका लगा, जहां उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, उसे संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपने पार्टी के भीतर कई तरह के आत्मचिंतन को शुरू किया है और बदलाव की प्रस्तावना भी है। इनमें से कुछ बदलाव की बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से है, ये पूरे तरीके से निश्चित नहीं है, लेकिन अगर ये सुझाव भी हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए हम एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने इतनी जल्दी सबक लेते हुए अपनी कार्यशैली में तब्दीली करने की बात सोची, और यही तो राजनीति है। अगर आपको झटका लगे तो आप सुधरिए, अगर आप और आगे बढ़ रहे हैं तो और आगे बढ़ने की सोचिए।